रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 11 एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फुल टर्न। ठीक है, तो बेटा अगर आप कल जो पिछला हमने लेक्चर लिया था, ठीक है, सैटरडे को, उसमें हमने कहा था कि क्रेब साइकिल से भी कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड यानी ये वाले FADH2 एंड NADH इवन ग्लाइकोलिसिस में भी बनते हैं, क्रेब साइकिल में भी बनते हैं। ये मैंने एक तरह से एग्जांपल दी थी कि ये चेक्स हैं, इनके अंदर वाह पैसे हैं, लेकिन हम इनको डायरेक्ट इस्तेमाल Until or unless we convert them into the currency, यानी पैसे यानी रुपया। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनको एक सिस्टम में से गुजारना होता है, दैट इज़ दी रेस्पिरेटरी चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो रेस्पिरेटरी चेन होती है ये असल में कहाँ होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली रेस्पिरेटरी चेन्स जो हैं वो होती हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि इनकी ये बेसिकली चेन क्या है? ठीक है, इट इज़ हम कहेंगे ए सीरीज, ठीक है, सीरीज ऑफ को एंजाइम्स एंड पूरा लिखना चाहिए को एंजाइम्स एंड साइटोक्रोम्स, ठीक है, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड। होता क्या है कि NADH के पास या FADH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस किया जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक चेन में से गुजारा जाता है, जैसे जैसे वो चेन के नीचे आते जाते हैं वो एनर्जी लूज करते जाते हैं एंड दैट एनर्जी हेल्प्स टू सिंथेसाइज ATP। सही है, तो साइटोक्रोम क्या होते हैं, यानी अगर मैं आपको बताऊं कोएंजाइम का तो आपको पता है, ठीक है, साइटोक्रोम क्या होते हैं, ये एक ऐसे लाइक दे आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनके अंदर कंटेनिंग हीम ग्रुप, ठीक है, किताब के अंदर एक प्रॉपर सी डेफिनेशन भी लिखी है, साइटोक्रोम आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स containing heme of the related prosthetic group। सही है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स हैं। इसका मतलब क्या है, यानी इंटरमीडिएट किसको कहते हैं कि जो ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे पकड़ के दूसरे को तीसरे को चौथे को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर ही इधर रखो बेटा, इनके अंदर हीम ग्रुप है और हीम ग्रुप में होता है आयरन, और आपको पता है आयरन की वैलेंसी चेंज हो सकती है, आयरन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि आप पता है Fe+2 भी हो जाता है, Fe+3 भी हो जाता है, तो वो बेसिकली +3 से कन्वर्ट होके +2, यानी इलेक्ट्रॉन अभी मैंने लिया और फिर मैंने अगले को दे दिया, मैं दोबारा +2 से +3 पे आ गया। नहीं समझ आई? देखें, ये देखें, अगर फर्ज किया इसके पास भी Fe है और ये +2 है, तो इसके पास भी Fe है, ये भी +2 है, यानी फेरस आइंस है, इसके पास भी +2। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, सॉरी +3, ये भी +3, ये भी +3, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा तो ये क्या हो जाएगा, Fe+2, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, फिर वो इसको दे देगा तो खुद इसका दोबारा Fe+3 हो जाएगा और इसका Fe+2 हो जाएगा, फिर ये अगले को देगा तो इसका दोबारा, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक दफा इलेक्ट्रॉन रिसीव करूं दबा उसको अगले को ट्रांसफर कर दूं। इस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से मूवमेंट होती है कि वो एनर्जी रिलीज करेंगे, जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो उस एनर्जी से ATP बनाई जा सकती है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक इसका थीम समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम क्यू, क्या कहते हैं, कोएंजाइम क्यू। ये जो कोएंजाइम क्यू होता है ना, ये बेसिकली NADH से उसका इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वी से इट इज NADH, तो ये जो है ये NAD पॉजिटिव बन जाता है, फर्स्ट क्या ये दो हैं, ये भी दो हैं,
तो इसका मतलब है इससे दो एच पॉजिटिव निकले और साथ ही दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये बड़ा क्यों है, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया कि देखो H निकला ना, H इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना इस बात को, सही है। तो ये बेसिकली दो H पॉजिटिव ऊपर रख दिए और दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। इसका मतलब क्या है कि ये है वो पहला स्टेप जिसमें को एंजाइम Q ऑक्सीडाइजेस द NADH, सही है। और इस ये NADH से इलेक्ट्रॉन लिया फौरी, इससे इतनी एनर्जी जरूर निकलती है कि एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एक ATP बनाया जा सकता है। समझ आ गई जी बेटा, बात की समझ तो नहीं आ गई ना है। अच्छा, कोएंजाइम क्यू को फिर एक और चीज ऑक्सीडाइज करते, ऑक्सीडाइज मतलब मैंने अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, तो आपने मुझे रिड्यूस किया, ठीक है ना जी। इस वक्त आप रिड्यूसिंग एजेंट हैं और मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो ये देखें आप, तो दूसरा क्या होता है कि वो साइटोक्रोम बी ऐसे ही है, देखिएगा साइटोक्रोम बी, हाँ। तो को एंजाइम, ये दूसरा स्टेप है कि को एंजाइम क्यू रिड्यूसेस दी साइटोक्रोम बी। अब अगर आप गौर करें तो साइटोक्रोम बी को एंजाइम क्यू को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। आप क्यों हंस रही हैं, क्या माइक नहीं जा रही, थैंक यू सो वेरी मच जनाब, आपने मुझे बताया, ठीक है। साइटोक्रोम बी जो है इट ऑक्सीडाइजेस द साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू, लेडीज यू डू नॉट मर्मर, ओके। सो साइटोक्रोम क्यू हमें पता चल गया जी, साइटोक्रोम बी, सॉरी क्या कर रहे हो यार। अच्छा ये जो है ये फर्दर एक और चीज को रिड्यूस करेगा और वो है साइटोक्रोम सी। ये बेसिकली एक सीरीज है साइटोक्रोम्स की, ठीक है। और इस दौरान फिर इतनी एनर्जी निकलेगी कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉर्म, वो पता है ना आपको एडीपी में वो जो स्ट्रक्चर होती है उसके फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट होता है, फिर दूसरा ये एडीपी है और ये एटीपी है, तो अगर ये तीसरा बॉन्ड बनाना है तो क्या चाहिए हमें, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। अच्छा जी, तो एटीपी, ये दूसरा एटीपी बन गया, मैंने आपको कहा था एनएडीएच तीन एटीपी के बराबर होता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ए और ए थ्री मुसलसल होंगे बिल्कुल, ये साइटोक्रोम ए को, ठीक है, स्मॉल ए, और फिर वो साइटोक्रोम ए थ्री को, ये इसको रिड्यूस करेगा और ये इसको, यानी ए थ्री ए को ऑक्सीडाइज करेगा और ए ए थ्री को रिड्यूस करेगा, सही है। एट द एंड इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहां तक का फासला तय कर चुके हैं। नाउ अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे हाफ ऑक्सीजन, इट मींस आधी ऑक्सीजन सिंगल एटम, क्योंकि अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते थे या तो हाफ साथ लिख दें या फिर उधर से इलेक्ट्रॉन ही बोते लेके आए, ठीक है ना जी। तो प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स, वही जो ये सारा फासला तय करके आए हैं, प्लस वो दो H, ये मिल के बना देते हैं H2O, समझ गए। तो ये बेटा पूरी रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था ना ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, उसमें आपने तीन स्टेप पढ़े थे। एनारोबिक में तो आपने अलग से पढ़ा ना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का सिर्फ ये काम है बस। टू इसे कहते हैं कि एंड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करना और वाटर सिंथेसाइज करना। इसके अलावा अगर आप गौर करें ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, या इससे पहले पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कहीं भी ऑक्सीजन यूज नहीं हुई। आप गौर करें सिर्फ एक एंड पॉइंट पे चीज लेने वाला कोई ना हो तो वो क्या हुआ, वो बनी ही नहीं उधर से, यानी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, यानी ऑक्सीजन नहीं है तो सारा काम किधर चला गया, फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। अच्छा, इस स्टेप में एक और एटीपी, ये आखिरी स्टेप में जब ऑक्सीजन ये लेती है इलेक्ट्रॉन्स को,
तो इस स्टेप में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एक और एटीपी बनाया जाता है। तो लेकिन अगर एक बात मजे की बताऊं, जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, यानी ये साइटोक्रोम क्यू जब FADH2, मैं उसको ग्रीन बना देता हूँ, जब FADH2 उसको वो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो FAD पॉजिटिव बनता है, प्लस दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। इस स्टेप में एनर्जी रिलीज, यानी साइटोक्रोम को एंजाइम क्यू जब NADH को ऑक्सीडाइज करता है तो एनर्जी निकलती है जिसे ATP बनता है, और जब कोएंजाइम क्यू FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है तब इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं निकलती। इसलिए FADH2 = 1 FADH2 = 2 ATP, एक ये वाला और एक ये वाला, और 1 NADH = 3 ATP, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। लेकिन एक बात, NADH of glycolysis is equal to 2 ATP because 1 is used in, क्योंकि देखें glycolysis होता है साइटोप्लाज्म में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको वहां तक शिफ्ट लेके जाने में 1 ATP खर्चा हो जाती है, that is equal to 2 ATP। जनाब समझ तो नहीं आ गई ना। चलो जी, अब बस ये हो गया आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए।